बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डे विल ब्लो। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है जहां पर कोल माइनिंग है। वहां पर कोल माइनिंग का जो पार्टनर है जिसका नाम सुखमन है, वो अपने बेटे के साथ काम करने के लिए आता है। तभी उसका बेटा कहता है कि मैं अपने टूल्स घर पर ही भूल गया। और जब वो अपने टूल्स लेने के लिए वापस जा रहा होता है तभी उसे एक क्रिएचर खींच लेता है। सुखमन अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद हमें उस क्रिएचर के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही भयानक है। दरअसल यहाँ पर माइनिंग होती है, इसका मतलब ये है कि वो क्रिएचर जमीन की गहराइयों से ऊपर आया था जो सुखमन के ऊपर हमला करके उसे पैरालाइज करके उसके बेटे को अपने साथ ले गया। कई साल बीत जाते हैं और हमें एरियन नाम की एक एडवेंचरर को दिखाया जाता है जिसे वैज्ञानिकों की एक टीम को उसी टाउन में ले जाना है जहां पर आज से कई साल पहले वो हादसा हुआ था। वो उस हादसे के बारे में, उस माइन के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि उस टाउन को मैप से हटा दिया गया है, जो देखकर वो हैरान होती है। वो पुराने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि उस माइन में आग लगी थी जिसके बाद कई सारे लोग मारे गए और कई सौ लोग गायब हो गए। उस माइन को बंद कर दिया गया लेकिन लोगों का मानना यह है कि वहां पर कोई दूसरा हादसा हुआ था जिसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया। और अब एरियन उस साइंटिस्ट से मिलती है जिसका नाम डेरेन है, जो अपनी टीम में तीन और मेंबर्स को लेकर एरियन के साथ उस टाउन के आसपास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एरियन एक लोकल स्टोर में जाती है और वहां का जो शॉपकीपर होता है उससे पूछती है कि माइंस का रास्ता कहां पर है। वो कहता है कि यहां कभी कोई माइंस नहीं थी। एरियन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी कहता है कि जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। और जब ये अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तभी वो किसी को कॉल करके कहता है कि कोई प्रॉब्लम है। और अब एरिन अपने साथियों के साथ माइन की तरफ बढ़ रही होती है। वो देखती है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है, इसीलिए जानबूझकर वो माइन की तरफ ना जाकर वापस जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद वो कार उनका पीछा करना बंद कर देती है और जब वो कार वापस चली जाती है एरियन दोबारा माइंस की तरफ जाती है। जल्दी ये उस गेट तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर माइंस थी। इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। गेट पर हाई वोल्टेज करंट होता है जिसका मतलब ये है कि कोई नहीं चाहता कि इस गेट के अंदर कोई भी जाए। लेकिन एरियन एक पेड़ के सहारे अपने सभी साथियों को अंदर ले जाती है। रात होने पर ये एक जगह बैठ जाते हैं जहां पर डेरियन कहता है कि पहले यहां पर एक टाउन था जो अचानक से गायब हो गया। जरूर यहां पर कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वो कहता है मुझे लगता है कि यहां पर कभी कोई टाउन नहीं था। अमेरिकी सरकार यहां पर कोई रिसर्च कर रही थी जिस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिस हादसे की वजह से कई लोग मारे गए। अमेरिकी सरकार ने झूठी खबर फैला दी कि यहाँ पर आग लगी थी लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और हमें उस सच्चाई का पता लगाना होगा। वही टाउन के लोग जिनमें एक सुखमन भी है, सुखमन वही है जिसके ऊपर कई साल पहले उस क्रिएचर ने हमला किया था और उसके बेटे को अपने साथ जमीन की गहराइयों में ले गया था। और अब जब ये माइंस के आसपास होते हैं तो ये देखते हैं कि ग्रिल्स वहां पर अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जिससे समझ जाते हैं कि वो साइंटिस्ट इसके अंदर गए हैं। और जब ये आसपास देख रहे होते हैं तभी वो क्रिएचर इनके एक साथी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से ये अंदर नहीं जाते, ये किसी भी कीमत पर उन पांचों को वहां से निकालना चाहते हैं। अब अगली सुबह हमें एरियन, डेरेन और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक जगह जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। ये उसके सैंपल लेने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो कार जो एक दिन पहले इनका पीछा कर रही थी इन्हें वहां आसपास नजर आती है। ये सब के सब छुप जाते हैं और जब कार चली जाती है तो ये वहां से आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ घर होते हैं जो पूरी तरह से अबेंडेंड है। लेकिन एक घर वहां पर ऐसा होता है जिसकी हालत पूरी तरह से अच्छी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आज भी कोई यहां पर रहता है।
ये सब के सब उस घर के अंदर जाते हैं जहां पर गैसेस के कुछ सैंपल्स होते हैं, और जब ये पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं तो इन्हें वो माइंस मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर ये बहुत खुश होते हैं। ये देखते हैं कि माइन के अंदर जाने का जो रास्ता है उसे पूरी तरह से ग्रिल्स के साथ कवर किया गया है जिनमें करंट है। ये करंट को डिसेबल करते हैं और उस माइन को खोल देते हैं, जिसके अंदर रस्सी से ये अपना कैमरा और माइक्रोफोन भेजते हैं। इन्हें स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन इन्हें ये पता चल जाता है कि अंदर बहुत ही कीमती धातु है। और अब जब ये माइक्रोफोन से अंदर की आवाजों को सुन रहे होते हैं, तभी अंदर से बहुत तेज आवाज आती है जिससे सुनने वाले के कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब ये उस आवाज की रेंज को चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा तेज होती है। अब इनमें से एक साइंटिस्ट का पैर रस्सी के ऊपर होता है जिससे इन्होंने माइक्रोफोन को नीचे भेजा था, तभी नीचे से कोई रस्सी खींचता है जिसके साथ एक साइंटिस्ट भी नीचे चला जाता है। और अब वो नीचे जा चुका है, ये ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं लेकिन नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए इन्हें नीचे कुछ नहीं दिखता, ना ही कोई आवाज आती है। इसीलिए एरियन जो इनकी गाइड है वो एक साइंटिस्ट के साथ नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद वो देखती है कि चारों तरफ गैसेस है, साथ ही क्रिएचर की आवाज आ रही है। वो समझ जाती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। वहीं ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वही गाड़ी जो दो दिन से इनका पीछा कर रही है वो भी होल के पास आ जाती है, जिसके अंदर से एक लोकल आदमी बाहर निकलता है जो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि इन लोगों ने नीचे के रास्ते को खोल दिया है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब जो दो रस्सियां होती है जिससे एरियन और एक साइंटिस्ट नीचे गए थे, वो उनमें से एक रस्सी को काट देता है। दरअसल उसे नहीं पता होता कि दो लोग नीचे अब भी जिंदा हैं, लेकिन जब नीचे एरियन देखती है कि एक रस्सी किसी ने काट दी है, उसे समझ में आ जाता है कि ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए बची हुई एक रस्सी से वो अपने साथी के साथ ऊपर आ जाती है। वो लोकल आदमी लगातार इनके ऊपर चिल्ला रहा होता है, तभी ये उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। एरियन सबको बताती है कि नीचे जो आवाजें हैं वो बहुत बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स की हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये उस लोकल आदमी को यहीं पर बेहोश छोड़कर उसकी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है जिस वजह से इन्हें अब आगे पैदल ही जाना होगा। वही रात होने पर उस लोकल आदमी को होश आ जाता है, जिसके बाद वो रेडियो से अपने साथियों को बताता है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने नीचे के रास्ते को खोल दिया है, यहाँ पर बहुत खतरा है। और तभी वो क्रिएचर आकर उस आदमी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एरियन और उसके तीनों साथी लगातार भाग रहे होते हैं। जंगल में भयानक अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। एरियन को लगता है कि आसपास कोई है, इसीलिए वो अपने नाइट विजन ग्लास से देखती है। वो देखती है कि वहां पर एक भयानक क्रिएचर है जो इनके एक साथी को अपने साथ ले जाता है। और अब ये तीनों लगातार भागते हैं, तभी इन्हें एक ट्रक दिखता है जो कि यहाँ के लोकल लोगों का होता है। ये इन्हें अपने साथ बिठाकर उसी टाउन में ले आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर उस क्रिएचर की एक ड्राइंग है, उसका एक हाथ बहुत ही नुकीला होता है जिससे वो अपने शिकार को पैरालाइज कर देता है और अपने साथ ले जाता है। साथ ही ये जो क्रिएचर है ये देख नहीं सकता, और तेज आवाज इन्हें परेशान करती है। सुकमैन इन तीनों को बताता है कि हम माइनिंग करते हुए धरती के उस हिस्से तक पहुंच गए थे जहां पर ये खतरनाक क्रिएचर्स रहा करते थे। इनकी तादाद लाखों में है, ये धरती के ऊपर आने लगे, इसीलिए हमने माइंस पर आग लगा दी और सभी एग्जिट वाले रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हम उन रास्तों की आज तक सुरक्षा करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इंसानों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें खाते नहीं हैं, बल्कि धरती के नीचे ले जाते हैं। और अगर ये सब के सब ऊपर आ गए तो ये पूरी धरती को खत्म कर देंगे, इसीलिए हमें उस होल को बंद करना होगा जिसे तुमने खोल दिया है। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, इसीलिए एरियन, डेरिन और इनके साथ जो तीसरा साथी होता है, टाउन के एक आदमी और लड़की के साथ उस जगह को बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, इसीलिए टाउन का जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ, जिसके बाद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके इन सब को भागने का मौका देता है। ये चारों के चारों भागकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आसपास अब भी वो क्रिएचर्स हैं
उस घर में नीचे टनल तक जाने का एक रास्ता है। ये सब के सब नीचे चले जाते हैं, वहां पर भी क्रिएचर्स होते हैं। टाउन की जो लड़की इनके साथ होती है वो कहती है कि तुम सब के सब यहाँ से निकलो, मैं इन्हें अपने पीछे लगाती हूँ। और वो क्रिएचर्स को डाइवर्ट करने के लिए एक तरफ चली जाती है, पर अब भी क्रिएचर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए एरियन और डेरिन के साथ जो तीसरा साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो ग्रेनेड निकालता है, तभी क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रेनेड फटने की वजह से वो जख्मी हो जाता है, जिसके बाद क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है। जो देखकर डेरिन हताश हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए एरियन से कहता है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था, मैं यहाँ पर किसी रिसर्च के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए कोल ढूंढने के लिए आया था। मेरी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। और वो वहीं पर बैठ जाता है। एरियन कहती है कि मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। और वो यहाँ से आगे निकल जाती है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक राफ्ट पर होती है। उसके सामने क्रिएचर भी है जो उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा है। साथ ही टाउन की उस लड़की की बॉडी भी वहां पर होती है जो इनके साथ यहाँ पर आई थी। और अब वो क्रिएचर इन्हें एक दूसरे बड़े क्रिएचर के पास ले जाता है, जहां पर डेरिन और इनका वो साथी जिसे जंगल में क्रिएचर ने पकड़ लिया था वो दोनों जिंदा होते हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़ा क्रिएचर है उसका काम है इंसानों को खाना और बच्चे पैदा करना। दरअसल धरती की गहराइयों में रहने वाले ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में इंसानों को अब तक कुछ पता नहीं था। ये एंट्स की तरह कॉलोनीज में रहते हैं और अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद वो बहुत बड़ी क्रिएचर एरियन और डेरिन के साथी को खा जाती है। जिसके बाद एरियन की बारी आती है, लेकिन उसके पास एक ग्रेनेड होता है, जिस ग्रेनेड को वो उस क्रिएचर के मुंह के अंदर डाल देती है और उसके पेट में एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो विशाल क्रिएचर मारी जाती है जो यहाँ पर दूसरे क्रिएचर्स को पैदा करती है। अभी दोनों के दोनों भागते भागते उस जगह पहुंच जाते हैं जिस होल को इन सब ने खोला था। वहां पर पहले से एक रस्सी होती है, जिस रस्सी से एरियन पहले ऊपर चढ़ती है और उसके पीछे डेरिन। पर अब भी क्रिएचर्स हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं। डेरिन को समझ में आ जाता है कि ये दोनों बचकर यहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए वो एरियन की जान बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है, जिसके बाद सभी क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। एरियन ऊपर पहुंच जाती है जहां पर पहले से टाउन के लोग होते हैं, और जब वो बाहर आ जाती है तो उसके बाद जो भी क्रिएचर बाहर निकलता है ये उसे जला देते हैं और एक बार फिर से उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं जो एरियन और उसके साथियों ने खोल दिया था। यानी कि अब खतरा टल चुका है। सुकमैन एरियन से कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ से जाकर जो कुछ तुमने यहाँ पर देखा उसके बारे में दुनिया को बता सकती हो, या दूसरा रास्ता ये है कि तुम यहीं हमारे साथ इस टाउन में रहो और इन क्रिएचर से पूरी दुनिया की रक्षा करो। हम हमेशा इन गेट्स की रखवाली करते हैं। एरियन तय करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और इन लोगों के साथ मिलकर इन गेट्स की देखभाल करेगी ताकि कोई भी क्रिएचर दोबारा बाहर ना आए। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।